नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या भारद्वाज सर बीसीडब्ल्यू के सहचर वाले प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत फिर से एक बार करता हूं। और आज हम लोग जो है 1922 के बाद वाला पीरियड को आगे बढ़ाएंगे। 1922 से लेकर के 1947 तक 1947 यानी देश की आजादी तक का इतिहास को पढ़ेंगे। 1922 तक चौरी चौरा इंसिडेंट पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हो गया है, आप लोग जा करके पीछे वाले वीडियो में आप सब देख सकते हैं। और आज जो है जिस टॉपिक पे मैं आप सबसे बात करने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा के लिहाज से। इसको जो है ना आप देख करके आगे पीछे करके स्लाइड को और आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो आज मैं पढ़ाने से पहले क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करने से पहले जो है आप सभी को टॉपिक के बारे में बता देता हूं कि आज किन किन टॉपिक को लेकर के चर्चा हम करेंगे। पहली जो है टॉपिक होगा वो होगा स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी पर पहले चर्चा हम करेंगे। दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा उस पर हम चर्चा करेंगे 1927 का साइमन कमीशन, उसके बाद 1928 का नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, इसमें क्वेश्चन के रूप में हमने लिया है। उसके बाद जो है 1929 का लाहौर कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर 1930 का जो है ना सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, और फिर जाकर के गांधी इरविन पैक्ट को और पूना पैक्ट जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे वाले स्लॉट में 1932 से लेकर के 47 तक का पीरियड को देखा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास चितरंजन दास द्वारा 1923 में एस्टेब्लिश एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम क्या था। दोस्तों इसी वाले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से जानते हैं। और ये है एक टॉपिक 1923 स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत कमेटी, ये बना सकते हो आप सब। अब देखो ये पूछ रहा है कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 में जो एक पार्टी गठित किया था उस पार्टी का नाम क्या था। तो उस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। अब यहाँ पे आंसर में आप सब देखिए कि कहीं पे स्वराज पार्टी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी स्वराज पार्टी लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ना काफी नहीं है। आगे किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए स्वराज पार्टी से रिलेटेड तो वो हम सॉल्व कर पाए, इसलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो आइए एक नया पेज यहां से पहले ले लिया जाए और फिर जाकर के स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग समझे। हेडिंग दे दीजिए आप लोग स्वराज पार्टी 1923, इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी हम जानते हैं। पहले यही नाम रखा गया था, बाद में इसका नाम स्वराज पार्टी पड़ा। अब एक्चुअल में आखिर स्वराज पार्टी का गठन एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ इसको थोड़ा सा हम लोग समझे पहले। तो देखिए हमने आप सबको बताया था कि 1922 में वो दिन याद कीजिए 5 फरवरी वाला दिन जिस दिन एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंसिडेंस हुआ था, घटना घटी थी, और उस घटना को मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया था चौरी चौरा की घटना कहा जाता है। और चौरी चौरा की घटना थी क्या, तो मैंने आप सबको बताया था कि भारत के जो आंदोलनकारी थे जो मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो इन्वॉल्व लोग थे शामिल लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने चौरी चौरा नामक जो ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में, ये एक गांव का भी नाम है और वहां पे एक ब्लॉक है थाना, वहां पे उग्र होकर के आग लगा दिया था जिससे 22 जो है वो ब्रिटिश पुलिस कर्मी मारे गए थे, एक दरोगा इसमें शामिल था। और ये क्यों इन लोगों ने ऐसी घटना की थी भारत के आंदोलनकारियों ने, तो वो इसलिए की थी क्योंकि भगवान अहिर नाम के एक गोरखपुर के रिटायर्ड सैनिक ऑफिसर जो है
वो आया था और इसके ठीक दो दिन पहले वो भी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, यानी 5 फरवरी से दो दिन पहले 3 फरवरी को ब्रिटिश पुलिस ने बेरहमी से उसे पीटा था और इसी पे भीड़ उग्र होकर के चौरी चौरा वाले ब्लॉक में आग लगा दी थी, जिसको लेकर के 22 ब्रिटिश पुलिस कर्मी की हत्या हो गई थी, यानी मर गए थे, है ना, मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है ना कि गांधी जी उस समय, जिस समय ये घटना घटी थी, उस समय बारदोली में थे और मैंने बताया था कि बारदोली कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में, और यही के रहने वाले हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बारदोली से एक किसान जो है, बारदोली के किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, और न केवल किसान नेता रहे हैं बल्कि आगे जाकर के आप देखिएगा कि ये एक एडवोकेट भी बनेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, एक वकील भी बनेंगे और फिर जाकर के भारत के जो है स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले जो है वो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री के पद पे भी ये रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि गांधी जी उस समय कहाँ पटेल के साथ जो है वो बारदोली में थे और बारदोली में एक किसान सभा कर रहे थे। इनको गांधी जी को ये घटना 5 तारीख को होती है लेकिन ये जानकारी गांधी जी को मिलती है दोस्तों 11 फरवरी 1922 को। जैसे ही गांधी जी को ये 6 दिन के बाद घटना का पता चलता है, गांधी जी इस बात को लेकर के डर जाते हैं कि अब कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश पुलिसकर्मी हमारे निर्दोष लोगों को जो इसमें आए हुए हैं, जो गरीब है, जो वंचित है, जरूरतमंद है, शोषित है, पीड़ित है, और मतलब मजदूर लेबर क्लास का है, फार्मर क्लास का है, किसान कोई है, कोई जो है छात्र संघ से जुड़ा हुआ है, और वो लोग जो आए हुए हैं वो लोग कहीं इसमें बिना किसी दोष के मारे न जाए ब्रिटिश पुलिस कर्मियों के हाथों। तो इसलिए गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि निर्दोष लोगों की हमारी जाने चली जाए, क्योंकि गांधी जी को ने देखा था कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें माइकल ओडायर ने बिना किसी दोष के जो है हजारों किसानों की जान ले ली थी, तो यहाँ पे 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए हैं दोस्तों। आप जरा सोच सकते हैं कि उस समय बहुत बड़ा खतरनाक जो है स्तर पे घटना घट सकती थी यदि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोका नहीं होता, यदि असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बैक नहीं किया होता। हालांकि अलग अलग जो है इतिहासकारों में जो है इसको लेकर के अलग अलग जो है वो सोच रही है, अलग अलग विचारधारा रही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी ने ऐसा करके गलत किया, चौरी चौरा कांड की घटना के कारण गांधी जी को जो है पूरे असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नहीं रोक देना चाहिए था, और यहाँ तक कि उस टाइम के जो है जो फेमस लीडर थे, जिसमें एक का नाम आप लोग जानते हो सी आर दास, चितरंजन दास जी, ये भी जो है उस समय वकील हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू जो है ये भी वकील हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू, और ये लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, जो गांधी जी के साथ अपने आईपीएस पद छोड़ करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े थे दोस्तों, इन तीनों लोगों ने आलोचना किया इस बात को लेकर गांधी जी को, गांधी जी को चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बैक यानी वापस नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए ये लोग ऐसे कहते हैं, सी आर दास, चितरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी थे, पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, इनको नेशन फ्रेंड यानी देश बंधु के नाम से कहा जाता जाना जाता है। तो सी आर दास ने कहा कि गांधी जी के एक स्टेटमेंट दिया उस समय, एक व्यंग बोला उन्होंने, कहा कि सी आर दास ने कहा, चितरंजन दास ने, कि गांधी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो कोई आंदोलन को बड़े जोश बड़े पैशन के साथ शुरू तो करते हैं लेकिन जैसे ही ये अपने पीक पे होता है आंदोलन उस समय वो रास्ते से भटक जाते हैं, ये जो है सी आर दास ने कमेंट किया। अब मैं आपको बताऊं मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू ने आलोचना गांधी की करते हुए कहा कि यदि जो है कन्याकुमारी के एक गांव में जो है किसी तरह की घटना हो जाए तो उसमें कश्मीर का क्या दोष है। अब जरा सोचिए मोतीलाल नेहरू जी ने भी जो है उस समय आलोचना किया था गांधी जी के चौरी चौरा कांड के कारण जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बैक करने को लेकर के, और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक किताब, जिसका सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम याद रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है द इंडियन
स्ट्रगल, और इसमें ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने कमेंट किया था, वो इस किताब में भी लिखते हैं, और वो बोलते हैं कि से ये राष्ट्रीय आंदोलन बड़े ही जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ रहा था, और ऐसी स्थिति में जब ये आंदोलन जो है वो पीक पे था, ये मूवमेंट पीक पे था, चरमोत्कर्ष पे था, तो गांधी जी को जो है वापस नहीं लेना चाहिए था, और इसको वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से यानी नेशनल क्राइसिस से कम नहीं है। तो ये बहुत ही जो है पूछ देता है कि गांधी जी किसने कहा था असहयोग आंदोलन वापस लेने पर, गांधी की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो है ना, अब एक तरह से कांग्रेस पार्टी में ही अब आगे जा करके कुछ बातों को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाएगा इसके नेताओं में। कुछ लोग गांधी को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग गांधी का विरोध करेंगे। अब यही जो है गांधी का सपोर्ट और विरोध करना, यही जो है स्वराज पार्टी को जन्म देगा। अब देखिए होता क्या है, गांधी जी के कहने पे कांग्रेस पार्टी ने, यहां तक कि इसमें मैं बता दूं कि सी आर दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने जो है अपना वकालत छोड़ करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपना आईपीएस पद छोड़ करके जो है गांधी जी के साथ आए थे, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कहा था कि एक साल में हम आप लोगों को स्वराज दिला देंगे, बशर्ते कंडीशन एक है कि उसमें किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या कि गांधी जी को अब इस घटना के बाद 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों, और गिरफ्तार करके जो है जेल में रखा जाता है, और अहमदाबाद जो गुजरात में है, कोर्ट के जो सेशन जज रहता है, ब्रिटिश सेशन जज जिसका नाम है ब्रूमफील्ड, तो उस ब्रूमफील्ड ने क्या किया, गांधी जी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये जो 22 चौरी चौरा वाला इवेंट हुआ है, 22 पुलिसकर्मी, ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए हैं, इसके लिए गांधी दोषी है, क्योंकि गांधी के लीडरशिप में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, इसलिए हम इनको 6 साल की सजा सुनाते हैं। बड़ा ही बढ़िया सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद गिरफ्तारी पहली बार कब हुई थी, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद याद रखना है 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार हुए थे, और किस जज ने जो है वो 6 साल की सजा सुनाई थी, तो ये भी ध्यान में रखना है जरा कि 6 साल की सजा जो है ब्रूमफील्ड जो अहमदाबाद कोर्ट के सेशन जज था उसने सुनाया था, ब्रिटिश सेशन जज था। अब देखिए ये यहां तक तो हमने बात कर लिया, कुछ और भी बातों को आगे बढ़ाते हैं, अभी समझने का प्रयास करते हैं कि स्वराज पार्टी आखिर बनी कैसे। अब गिरफ्तार होकर के गांधी जी तो जेल में चले जाते हैं, गांधी के जेल में जाने के बाद एक बात पे विवाद खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, वो बात क्या रहती है, बात सिर्फ ये रहती है कि 1923 में नवंबर 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो हर 3 साल 4 साल पे जो कराया जाता था केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराया जाता था दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार का केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होने वाला था नवंबर 1923 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस समय चलाया जा रहा था उस समय गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्यों से ये आह्वान किया था कि देखो तुम लोग जो है ना, सबको बताया था कि देखो तुम लोग जो है वो अब की बार कोई भी नेता, भारत का नेता सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव नहीं लड़ेगा, पूरे बहिष्कार करो इलेक्शन का, तो फुल बायकॉट कर दिया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास भी थे उस समय। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या नवंबर 1923 वाला जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो उस चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि अब गांधी जी तो जेल में है और आंदोलन भी क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है,
खत्म हो गया है, बैक कर लिया गया है। तो अब इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी मतभेद शुरू हो जाता है। तो इनमें दो ग्रुप होते हैं, एक जो ये चाहता है कि नहीं गांधी जी जेल में है तो उनका हम साथ रहे, उनकी विचारधारा उनके थॉट के साथ रहे, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव का अभी भी बहिष्कार करें, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एक ग्रुप वो होता है जो कहता है कि नहीं हम उसमें भाग ले, क्योंकि अब तो आंदोलन बंद हो चुका है, अब जो आंदोलन चल नहीं रहा है, तो ऐसे में और गांधी जी जेल में, ऐसे में यदि हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हम अपनी जनता के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के जो दमनकारी पूर्ण नीतियां है, जो पॉलिसी है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकेंगे। हम अपने लोगों के लिए जो है टैक्स जो लगता है उनको कम करवा सकते हैं, हम नौसेना में भारतीयकरण, नेवी में जो है इंडियनाइजेशन के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा भारत के जो युवा है वो नेवी में भर्ती हो सके, उसके लिए हम कमिटी में डिमांड कर सकते हैं, कमिटी गठित करवा सकते हैं। तो कई सारे जो है उस समय की जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर के इन लोगों का मन था कि हम इस चुनाव में भाग लें और हम जो है एक सांसद के रूप में पहुंचे और ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख करके काम करवाए, क्योंकि आंदोलन तो अभी चल नहीं रहा है। तो दो ग्रुप यहाँ पे बनता है। जो ग्रुप चुनाव नहीं लड़ना चाहता है उसको दोस्तों बोला गया अपरिवर्तनवादी ग्रुप, यानी ये गांधी जी के साथ है, अपरिवर्तनवादी ग्रुप, अपरिवर्तनवादी समूह। अब मैं आपको बताता हूं इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉन रेडिकल ग्रुप, आप लिख लीजिएगा नॉन रेडिकल ग्रुप। और जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको बोला गया परिवर्तनवादी ग्रुप, यानी रेडिकल ग्रुप, परिवर्तनवादी समूह यानी रेडिकल ग्रुप। अब यहां पे मैं बता रहा हूं नॉन रेडिकल और रेडिकल क्या है। आपको पता चल गया कि ये गांधी जी के सपोर्टर हैं, ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, गांधी जी की विचारधारा के साथ है, और जो चुनाव ये लड़ना चाहता है, चुनाव इलेक्शन को फाइट करना चाहता है, लड़ना चाहता है, चाहते हैं, उन नेताओं को क्या कहा गया, उनको कहा गया परिवर्तनवादी समूह यानी रेडिकल ग्रुप। समझ में आ रहा है? अच्छा, यदि हिंदी वाले में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा इंग्लिश वाले भी समझ लो। दोज लीडर्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट द इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज ऑल्सो नोन एज रेडिकल ग्रुप, एंड दोज लीडर्स हु आर नॉट पार्टिसिपेट इलेक्शन द इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर ऑल्सो नोन एज नॉन रेडिकल ग्रुप। तो जो नहीं लड़ना चाहता है उसको अपरिवर्तनवादी समूह, और जो लड़ना चाहता है उसको परिवर्तनवादी समूह यानी रेडिकल ग्रुप कहा गया। अब इसमें कौन कौन नेता थे, देखिए जो चुनाव नहीं लड़ने के पक्ष में थे उसमें एक थे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, एक थे डॉक्टर अंसारी, एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। ये लोग चाहते थे किसे, नहीं हम गांधी जी के साथ है, गांधी जी के विचारधारा के साथ है, आइडियोलॉजी के साथ है, हम जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक गांधी कहे नहीं। अब देखो अपरिवर्तनवादी ग्रुप में कौन थे जो चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये ध्यान में रखना है इसलिए हम नाम लिख पा रहे हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि इसमें से कौन रेडिकल ग्रुप वाला है और कौन नॉन रेडिकल ग्रुप वाला है, कौन शामिल था रेडिकल ग्रुप में कौन नहीं था, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। मोतीलाल नेहरू, और कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए डिस्कस हम कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू दूसरे नंबर पर जरा ध्यान में रखिएगा। मोतीलाल नेहरू के अलावा कौन था, चित्तरंजन दास, ये लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, डॉक्टर हकीम अजमल खान, अजमल खान, और उसके अलावा कस्तूरी रंगा, और एक केलकर, ये लोग जो थे वो चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये इस बात पे विवाद हुआ, और विवाद होने के कारण क्या हुआ कि इस विवाद के कारण
चूंकि ये विवाद कब हो रहा है 1922 में, एक्चुअल में 1 दिसंबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा स्लाइड को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, 1 दिसंबर 1922 को बिहार में एक जगह पड़ता है दोस्तों गया, तो वहां पे गया का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी का गया कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी, सी आर दास के द्वारा, चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। यानी गया कॉन्फ्रेंस जो है वाज हैपन ऑन 1 दिसंबर 1922 एंड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सी आर दास, और चितरंजन दास के द्वारा उसकी अध्यक्षता किया गया। लेकिन इसी गया वाले अधिवेशन में नॉन रेडिकल ग्रुप और रेडिकल ग्रुप के बीच आपसी मतभेद हो गया, जिसके कारण जो है सी आर दास ने क्या किया, सी आर दास ने अपना जो है दोस्तों रिजाइन दे दिया, यानी त्याग पत्र दे दिया। सी आर दास ने क्या कर दिया, रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे करके इसने क्या किया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इनको जरा ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन किया गया है, नेशन फ्रेंड यानी देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने अपने समर्थकों को लेकर के और फिर जाकर के इन लोगों ने एक पार्टी बनाई इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मार्च 1923 में, जिसका इन लोगों ने नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज, जो आगे जाकर के स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाएगी। और कांग्रेस खिलाफत स्वराज, जिसको आगे क्या हम कहेंगे, स्वराज पार्टी। अब ये जो स्वराज पार्टी है दोस्तों, स्वराज पार्टी के जो पहले से महासचिव हुए, ये ध्यान में रखना, वो है मोतीलाल नेहरू, ये महासचिव है, और जो पहले अध्यक्ष है यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट है, पहले अध्यक्ष फर्स्ट प्रेसिडेंट है स्वराज पार्टी के, उनका नाम है सी आर दास, चितरंजन दास। तो ये पार्टी तो इस्टेब्लिश हो गई। अब कुछ नेताओं ने, जैसे अब्दुल कलाम आजाद जी थे, अच्छा उसके अलावा एम आर जयकर जी थे, विठल भाई पटेल थे जो अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, 1918 के फर्स्ट संघर्ष स्ट्राइक में, हमने पहले भूख हड़ताल में बात किया होगा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक पक्ष कांग्रेस का वो चुनाव लड़े और एक पक्ष चुनाव न लड़े, मतलब आपसी मतभेद हम लोग दिखाए ब्रिटिश सरकार को, तो उनको तो अवसर मिलेगा कि आगे जाकर के और भी हमारे साथ वो हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे और आगे जो है किसी तरह का आंदोलन भारत में चलने नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे एकता का परिचय दे, जल्द से जल्द जो है ना इस मतभेद को, इस डिस्प्यूट को यहीं पे खत्म कर किया जाए। तो अब आपको बता रहे हैं कि 1923 में कांग्रेस पार्टी के जो रेडिकल और नॉन रेडिकल ग्रुप के बीच जो विवाद चल रहा है उसको खत्म करने के लिए 1923 में दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का दिल्ली अधिवेशन हुआ, दिल्ली कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, दिल्ली कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड इन 1923 अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल कलाम आजाद, इसको ध्यान में रखना है। एंड इसी में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अब्दुल कलाम आजाद जो है वो देश के पहले जो है फर्स्ट यूथ मुस्लिम प्रेसिडेंट बन गए, पहले युवा मुस्लिम अध्यक्ष बन गए दोस्तों।
पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने, आपको याद रखना है 1887 का मद्रास कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, मद्रास अधिवेशन में। उनका नाम क्या था? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, सर बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले भारतीय मुसलमान है जो अध्यक्ष बने थे, पहले मुसलमान, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब इन 1887 मद्रास कॉन्फ्रेंस। लेकिन यूथ मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करेगा तो आपको आंसर देना है अब्दुल कलाम आजाद। और कहां, किस अधिवेशन में बनाए गए थे? दिल्ली अधिवेशन में। और यदि ये पूछ दे कि कब, तो 1923 आपका आंसर होना चाहिए। और ये वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें अब्दुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी, इसी में जो है इनके विवादों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें किसकी सहायता से, तो दो इंपॉर्टेंट नेता जरा ध्यान में रखना जो इन विवाद को खत्म करवाए थे। एक का नाम है एम आर जयकर। ये वही एम आर जयकर है जो बंबई से संविधान सभा में चुन करके आए थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की जनक तथा जननी यानी फादर एंड मदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और जब एम आर जयकर जी जो है वो बंबई वाला सीट छोड़े थे, तो वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुन करके जो है वहां से, चूंकि हार गए थे बंबई से चुनाव, तो वहां से जो है वो इनको सीट खाली कराया गया एम आर जयकर का। एम आर जयकर ने पद छोड़ा बंबई का अपना, तो वहां से संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिया गया था, क्योंकि संविधान सभा में वो सदस्य के रूप में नहीं चुने गए थे। तो आगे, चूंकि ये संविधान वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब उस वाले पीरियड में हम चलेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा इस पे बात करनी पड़ जाएगी। अभी इतना जानिए एम आर जयकर जो है जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, और विठल भाई पटेल, ये कहीं पे लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें कि जनक तथा जननी भारतीय संविधान का किसने कहा था भीमराव अंबेडकर को, तो एम आर जयकर ने, और ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी बंबई से रहे हैं। विठल भाई पटेल जो अहमदाबाद के मजदूर संगठन से जुड़े थे, आगे जाकर के मेयर भी बनेंगे, तो ये विठल भाई पटेल जो है और एम आर जयकर, दोस्तों दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया, रेडिकल और नॉन रेडिकल ग्रुप जो बना हुआ था उन लोगों के बीच, यानी कांग्रेस पार्टी जो दो पार्ट में थी, अभी मैंने आप सबको बताया था ये कि दो पार्ट में कौन कौन था, एक परिवर्तनवादी समूह और एक अपरिवर्तनवादी समूह, तो इन दोनों के बीच आपसी क्या किया करवाया, झगड़ा को खत्म करवाया। और झगड़ा को खत्म करवा करके जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी को कांग्रेस के बैनर तले जो है चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1923 का नवंबर में केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव हो रहा है उसमें स्वराज पार्टी कांग्रेस के बैनर तले लड़े, तो स्वराज पार्टी को इजाजत मिल गई दिल्ली कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में विठल भाई पटेल और एम आर जयकर की सजेशन पे, सलाह पे, उनकी सहायता से। तो अब स्वराज पार्टी ने जो है कांग्रेस के रूप में जो है चुनाव लड़ा केंद्रीय विधानसभा का, और 101 जो है इलेक्टेड जो सीट है, निर्वाचित सीट है, उसमें से स्वराज पार्टी को दोस्तों 41 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। जरा आप समझ सकते हो 41 सीट पे, यह एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी स्वराज पार्टी की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, इतना कांग्रेस पार्टी भी कभी सीट इससे पहले नहीं ला सकी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव इससे पहले भी लड़ा गया था, लेकिन यह जरा सोचिए स्वराज पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, 41 सीट इलेक्टेड मेंबर, 101 में से जो है 41 सीट जो है वो किसको मिला, स्वराज पार्टी को अकेले मिला। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा बड़ा उस समय का प्रांत था, जो प्रोविंस थी, राज्य था, जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंबई, मध्य प्रांत, इन सभी में जो है इन लोगों को पूर्ण बहुमत यानी फुल मेजोरिटी मिली, ज्यादातर इसमें जो है भारी जो है वोट से जीत हुआ इन लोगों को, पूर्ण जीत हुआ
और थोड़ा सा सीमित रूप से पंजाब में और मद्रास, जिसको आजकल हम लोग चेन्नई बोलते हैं, इन दोनों जगहों पे जरा ध्यान में रखना है दोस्तों, इन दोनों जगहों पे कांग्रेस पार्टी को, स्वराज पार्टी को जो है सीट तो नहीं मिल पाया, बहुत लिमिटेड जो है यहाँ पे जीत रही, काफी सीमित जीत रही। और इसका कारण क्या रहा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता और जातीय जनगणना थी, जाति के आधार पे जो है आपस में जो है, और कुछ सांप्रदायिकता जो है धर्म के आधार पे। अब आप जानते ही हो कि एक भारत ऐसा देश रहा है जहां जाति और धर्म के नाम पे जो है वो वोट के टाइम पे इलेक्शन भी, चुनाव भी लड़े जाते हैं। तो ऐसे में पंजाब और मद्रास में इनका थोड़ा सा असर कम रहा, लेकिन बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बंबई और मध्य प्रांत में जो है इनको पूर्ण जीत मिली दोस्तों, 141 सीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रीय विधानसभा में जो है मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी की तरफ से नेता बने। बंगाल के जो स्टेट लेजिस्लेचर था, विधानमंडल था, उसमें चितरंजन दास जो है उसके नेता बने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार जो है, पहला भारतीय, फर्स्ट इंडियन स्पीकर, अध्यक्ष केंद्रीय विधानसभा का नियुक्त किए गए विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल दोस्तों, विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बनने का अपॉर्चुनिटी मिला यहां पे, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का ये अध्यक्ष बने विठल भाई पटेल जी। ब्रिटिश भारत का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए थे ये केंद्रीय विधानसभा के, ये देखिए। और सब, अब उसके बाद क्या हुआ, इस ग्रुप में जब ये गए, स्वराज पार्टी जीत करके आ गई, तो स्वराज पार्टी आने के बाद बहुत सारा काम की, जैसे जो है मैं बता दूं कि कपास पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको कम करवाया जाना, मुंडीमैन कमेटी उसको जो है 1924 में उसको गठित किया जाना, एक जो है सैंडहर्स कमेटी थी, जरा ध्यान में रखना, सैंडहर्स कमेटी जिसे स्क्रीन कमिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसलिए बनाई गई थी ताकि नौसेना में जो है, नेवी में भारतीयकरण किया जा सके, यानी इंडियनाइजेशन किया जा सके इसका जो है, तो भारतीकरण किया जा सके। तो ऑलरेडी दो मेंबर जो है पहले से इसमें जुड़े हुए थे, एक का नाम था मोहम्मद अली जीना, अली जीना, और दूसरा का नाम था रामचंद्र राव, सैंडहर्स कमिटी का रामचंद्र राव। ये दो भारतीय सदस्य थे नौसेना का भारतीयकरण करने के लिए, इंडियनाइजेशन जो है करने के लिए ऑफ नेवल फोर्स, इंडियनाइजेशन ऑफ नेवल फोर्स, यानी नेवी में, ब्रिटिश नेवी में जो है भारत के अधिक से अधिक युवा भाग ले सके, जा सके, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी, सैंडहर्स कमेटी, स्क्रीन कमेटी। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश एक ऑफिसर जिसका नाम था सर एंड्रयू स्क्रीन, यही इसका जो है प्रेसिडेंट था, इस कमेटी का अध्यक्ष था, इसलिए इसको स्क्रीन कमेटी के नाम से भी जाना गया। और तीसरे सदस्य के रूप में यहाँ पे, तीसरे भारतीय सदस्य के रूप में मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी की तरफ से जुड़े, कांग्रेस की तरफ से जुड़े मोतीलाल नेहरू 1925 में सैंडहर्स कमेटी के जो है वो सदस्य अपॉइंट किए गए थे, जो नौसेना में भारतीयकरण के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, इंडियनाइजेशन ऑफ नेवल फोर्स के लिए बनाई गई थी दोस्तों। तो चलो, अब हमने ये सारी बातें हमने पढ़ लिया कि स्वराज पार्टी बन गई, थोड़ा सा हमने जान लिया,
वैसे तो स्वराज पार्टी को लेकर के और सारी बातें हैं, लेकिन आपकी एग्जाम को देखते हुए मैंने इसमें हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने का प्रयास किया। जो एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी किया गया है उनपे हमने डिस्कस कर लिया, तो आइए जो है क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं, फिर जाकर के आगे की बात करते हैं। अब देखिए यही कह रहा था कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जी से देश बंधु के नाम से जानते हैं दोस्तों, 1923 में एक पार्टी गठित करते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद में अब नाम इसका प्रयागराज हो गया है 1923 में, तो उसका नाम क्या रहता है स्वराज पार्टी। और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव बनते हैं और सी आर दास चित्तरंजन दास इसके क्या बनते हैं पहले अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट वाला पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर अब आप लोग खुद ही आंसर दीजिए, मैंने पढ़ा दिया उसके लेवल पे। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? अभी मैंने बताया गया कॉन्फ्रेंस हुआ था 1 दिसंबर 1922 को, जिसमें रेडिकल ग्रुप और नॉन रेडिकल ग्रुप के बीच विवाद हो गया था और इसमें सी आर दास ने जो है अपना रिजाइन दिया था, और रिजाइन दे करके ही स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज की स्थापना इलाहाबाद मार्च 1923 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज पार्टी का गठन, अब आगे दिया है कि असफलता के बाद हुआ, माने किसकी असफलता के बाद हुआ, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों आप इसके नजदीक वाला देखिए 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा, बताया था मैंने, और ये कब जो है गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को, ये गांधी जी के द्वारा बैक कर लिया गया था चौरी चौरा की घटना के कारण। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी की इसी, अब आप लोग यहाँ आंसर दीजिए कि असहयोग आंदोलन यहाँ पे क्या हो गया था, असफल हो गया था, और इसके कारण जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है, आगे पढ़ाएंगे, ये 1930 की सिविल नाफरमानी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन आप लोग को पढ़ा चुके 1905 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? अब देखिए इसमें मैंने अभी आपको लिखवाया कि एक रेडिकल ग्रुप और एक नॉन रेडिकल ग्रुप, तो रेडिकल ग्रुप में यानी जो परिवर्तनवादी समूह है उसी को हम स्वराज पार्टी का नाम दिए, तो स्वराज पार्टी में कौन कौन सा था। अब देखिए श्रीनिवास आयंकर ये स्वराज पार्टी में अवेलेबल थे, स्वराज दल में चित्तरंजन दास ये थे, विठल भाई पटेल अभी हमने आपको बताया कि केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है वो चुने गए, पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए, ये तीनों थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं थे, सी राजगोपालाचारी के बारे में आगे अभी आपको पढ़ना है, इसके बारे में भारत के जो है प्रथम वायसराय के रूप में अंतिम गवर्नर ये इसकी, इनके बारे में आपको बताएंगे हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चलते हैं, स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? दोस्तों फिर से देखा जाए, कह रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी जो है वो किसी क्लास के लिए नहीं होना चाहिए, ये किसकी घोषणा है? यहां पे देखिए एक दिया है सी आर दास, दूसरा दिया है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो महाराष्ट्र के एक वकील भी थे महाराष्ट्र कोर्ट के, और आगे जाकर के जो है हमारे देश के जो है आगे एक गांधी जी के आंदोलन के साथ भी आगे जुड़ेंगे 1930 वाला में, मद्रास से ही जो है इनकी वहां पे पैदल यात्रा चलेगी, तो इनके बारे में अभी आगे ये जुड़ेंगे, अभी ये नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू जो है यहाँ पे है और गोपीनाथ साहा, यहाँ पे आंसर क्या होगा सी आर दास, चित्तरंजन दास ने ये कहा कि जो है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए किसी वर्ग के लिए नहीं, जब ये पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? Who among the following was not associated with Swaraj Party? स्वराज पार्टी से कौन एसोसिएट नहीं करते? मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू क्या थे महासचिव, सी आर दास क्या थे पहले अध्यक्ष थे,
एनसी केलकर, अभी मैंने बताया ये भी थे, इनका नाम भी मैंने ले लिया था, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है स्वराज पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कौन से ग्रुप में थे? नॉन रेडिकल ग्रुप यानी अपरिवर्तनवादी समूह में ये थे। और आगे जब स्वराज पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी बनने के बाद जो मतभेद खत्म हो गया कांग्रेस का, जब चुनाव हो गया, चुनाव में जीत मिल गया, तो फिर जा करके आगे ये जरा ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जिससे क्वेश्चन बना दिया जाता है। नगर पालिका का, म्यूनिसिपलिटीज का जो है चुनाव कराया गया, और स्थानीय निकायों का, नगर पालिका का, इसमें मेयर पद के लिए चार जगह पर चुनाव हुआ उस समय, जरा ध्यान में रखना, यह 1924 में 1924 में चुनाव कराया गया, और इस चुनाव में चार जगह पे चुनाव हुए थे, और चारों में चारों जगह पे भारतीय लोगों को जीत मिली थी। कहां कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था दोस्तों। बंगाल में मेयर कौन बना? तो बंगाल में 1924 के नगर पालिका का चुनाव लड़ करके जो मेयर बनने वाले थे उनका नाम था सी आर दास, यानी चितरंजन दास जो है वो मेयर वाला पद भी ले लिए, और विधानमंडल में वहां के बंगाल के स्टेट लेजिस्लेचर में सदस्य के रूप में भी थे। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जरा ध्यान दीजिए, इलाहाबाद। इलाहाबाद से चुनाव लड़े मेयर पद का जवाहरलाल नेहरू, जरा ध्यान में रखना, जे एल नेहरू ये जो है चुनाव लड़कर के जीत गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे नाम याद रखना, अहमदाबाद से मेयर पद पे चुने गए विठल भाई पटेल। थोड़ी देर पहले आप लोगों को इनके बारे में बताया था कि विठल भाई पटेल जो है 1918 के फर्स्ट संघर्ष स्ट्राइक यानी पहली भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से भी जुड़े हुए नेता थे, और इसके साथ साथ जो है पहले वो भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष अपॉइंट हुए थे स्वराज पार्टी की तरफ से। और उसके बाद चौथे नंबर पे पटना से जो है ना पहली बार मेयर पद जो है आया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने आगे जा करके, ये राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे पटना से मेयर चुने गए। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका के जो 1924 का चुनाव था उसमें किनकी जीत हुई और कहां कहां के कौन कौन से मेयर थे। अब पूछा जा सकता है कि पटना का मेयर बताओ, राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, अहमदाबाद के विठल भाई पटेल, इलाहाबाद से जेएल नेहरू, और फिर बंगाल से चितरंजन दास जो है चुने गए थे, ये जरा ध्यान में रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्वराज पार्टी से नहीं जुड़े थे, ये तो उल्टे विरोध ही कर रहे थे कि नहीं हम गांधी जी की विचारधारा के साथ है और इसमें केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से, अभी कितनी बार मैं बता चुका आप लोगों को चितरंजन दास को नेशन फ्रेंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है देखा जाए देश बंधु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय स्पीकर कौन था, इसके बारे में अभी बात किए विठल भाई पटेल। आंसर अब अपने आप लोग दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जब एक बार टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं ना आप सब, तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और मैं यही कहता हूं कि जब भी क्लास देखिए ना, तो देखने के बाद उसे बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो यहाँ पे हम नहीं लिखते, उसको आप नोट्स जरूर बनाइए और ध्यानपूर्वक जो है आपने देख लिया ना, तो आपको एक अच्छी कमांड बन जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन आयोग। अब एक नया टॉपिक आ गया, हमने स्वराज पार्टी तो पढ़ा दिया दोस्तों, अब साइमन आयोग, ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, जैसे ये स्वराज पार्टी तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और तब जाकर के साइमन आयोग पढ़ाने के बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि साइमन आयोग कब अपॉइंट किया गया था, राइट ऑप्शन होगा 1927 यानी 1927 में, डेट आपको बता दे रहे हैं 8 नवंबर 1927 को। लेकिन आखिर साइमन कमीशन था क्या, क्यों अपॉइंट हुआ, भारत आया क्यों आया, और इसने अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इन सारे मुद्दों पर विचार करने के लिए यहाँ पे एक फिर से हम आप लोगों को आगे न्यू वाला स्कोर करके बताते हैं। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए ताकि साइमन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आपका ना छूट पाए। हम बात करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बात करेंगे, बट
वो सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है जो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन किया जा चुका है और इससे आने की संभावना रहती है, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, लिख लीजिए साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग, हेडिंग दे दीजिएगा 1927 1927। देखिए दोस्तों एक्चुअल में था क्या, 1919 में, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड एक्ट, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1919 का आया। मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू यहां पे भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और भारत सचिव के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं 1858 का, 1857 वाला आप पीछे वीडियो देखिएगा तो, कि भारत सचिव जो होता था वो भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का अध्यक्ष होता था, हेड होता था। और ये रहता कहां पे था? तो ये रहता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के कैबिनेट का ये सदस्य हुआ करता था। अच्छा, भारतीय परिषद में भारत सचिव जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत राज्य सचिव, ये पद कब बनाया गया? 1858 में विक्टोरिया द्वारा जब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उस टाइम पे ये बनाया गया था ये पद। ये पद का काम क्या था? तो ये पद का काम था कि ये रहेगा तो ब्रिटेन में, लेकिन भारत में जो वायसराय शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया, जो भारत में सर्वेसर्वा है शासन के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को संभाल रहा है, तो उसके थ्रू जो है ये काम करवाएगा। यानी भारत राज्य सचिव जो है वायसराय से बड़ा पद होगा, आदेश देगा वहां से रह करके, ब्रिटेन में बैठ करके यहाँ पे कंट्रोल भारत को करेगा, वायसराय की मदद से काम करवाएगा। यानी दोनों लोग मिलकर के, भारत राज्य सचिव और वायसराय मिलकर के काम करेंगे, और वहां के जो महारानी है, जो क्वीन है, जो वहां का एम्परर है, सम्राट है, उसको रिपोर्ट देंगे। तो अब देखिए इस बात को जब समझ लिए तो थोड़ा समझिए, 1919 का जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, तो मॉन्टेग्यू कौन था? भारत राज्य सचिव जो ब्रिटेन में रहता था, अभी मैंने बताया वहां से भारत पे शासन करता था। और जेम्स फोर्ड कौन है? तो भारत का वायसराय है, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1916 से 21 तक ये भारत का वायसराय रहा था। तो ये जो है उस टाइम पे इस एक्ट में ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद ब्रिटेन द्वारा, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक आयोग, एक कमीशन भेजा जाएगा भारत में, एक आयोग गठित किया जाएगा भारत के लिए। और वो भारत किस बात की जांच करने के लिए आएगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है? कि जो यहाँ पे वायसराय के द्वारा कामकाज किया जा रहा है, उसमें वो देखने के लिए आएगा कि भारत में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। तो भारत में प्रशासनिक राजनीतिक स्तर से जो सुधार होने चाहिए, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग भेजा जाना था। उस आयोग में, उस आयोग के गठन, अब बताइए 10 साल के बाद इसमें, इस एक्ट में कहा गया है। और ये एक्ट भारत में लागू कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तो पास हो गया, लेकिन लागू हुआ था 1921 में। तो यहां से 10 साल यदि हम करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 1931, यानी ये जो है 1931 में साइमन कमीशन भारत आना चाहिए था, बट ये 1931 में ना आकर के 1927 में ही अपॉइंट कर दिया जाता है। और भारत में ये कब चला आता है? तो भारत में पहली बार आता है ये 2 फरवरी
1928 को मुंबई पहुंचता है साइमन कमीशन, पहली बार किस राज्य में पहुंचा था? मुंबई में। यह पूछा जा सकता है आंसर, आंसर जरा इस बात का ध्यान में रखना दोस्तों, कहां पे? मुंबई में। और कब पहली बार? 2 फरवरी 1928 को। आखिर 1931 में आना था लेकिन पहले ही क्यों आ गया? तो इसके पीछे रीजन था, और वो रीजन क्या था? तो वो रीजन था कि उस समय भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका नाम था बिर्केनहेड, ब्रिटेन में रहता था। और यहां पे जरा याद रखना, भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, और ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था स्टेनली बॉल्डविन। प्रधानमंत्री स्टेनली बॉल्डविन, इस बात को जरा ध्यान से लिख लेना कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन जब अपॉइंट किया गया था तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? स्टेनली बॉल्डविन। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। और भारत का राज्य सचिव कौन था? तो बिर्केनहेड, इसको बिर्केनहेड। अब स्टेनली बॉल्डविन किस पार्टी से था? तो ये पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। वहां पे तीन फेमस पार्टी, जैसे भारत में मैं कहूं कि भारत के दो सबसे बड़ी पार्टियों के नाम बताओ तो आप लोग क्या बताओगे दोस्तों? एक कहोगे कि एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, जो केंद्र में हमेशा सरकार बनाती आई है। ठीक उसी तरह से वहां पे तीन पार्टी थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी और एक लिबरल पार्टी, जो काफी फेमस थी। इसके अलावा भी और सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। कंजर्वेटिव पार्टी के ही जो है वो स्टेनली बॉल्डविन प्रधानमंत्री थे। और मैं यहां पे पार्टी बताता हूं कि एक थी लेबर पार्टी और एक थी लिबरल पार्टी। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि ब्रिटेन के पार्टी बन बताने का मतलब क्या है कि यहां पे क्वेश्चन आता है लिबरल पार्टी। ये तीन पार्टी जो है मेजर मुख्य रूप से ब्रिटेन में थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी एक्चुअल में क्या थी? तो भारत का विरोधी थी, भारत का अपोज करती थी, भारत के स्वतंत्रता विरोधी थी, आजादी नहीं चाहती थी। जबकि लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी जो है भारत के स्वतंत्रता के समर्थक थी, यानी जो है सपोर्टर थे। यानी जब जब वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आती थी ब्रिटेन में, तब तब भारत में अत्याचार बढ़ जाता था, और जब जब लेबर और लिबरल पार्टी की सरकार आती थी भारत में थोड़ा अत्याचार कम हो जाता था। ये पार्टी का मैनिफेस्टो ही था। हर पार्टी का अपना एक जो है स्टैंड होता है फॉरेन पॉलिसी का। जरा देखो लेबर पार्टी, अब यही ध्यान में रखना कि ये वही लेबर पार्टी है जिसका जब प्रधानमंत्री क्लाइमेट रिचर्ड एटली बनते हैं 1945 में और 51 तक रहते हैं, तो इन्होंने ही जो है फरवरी 1947 में 1947 में अनाउंस किया, घोषणा किया कि भारत को आजाद किया जाएगा 30 जून 1948 से पहले आजाद किया जाएगा। यह बात अलग है कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद कर दिया गया। तो जब लेबर पार्टी का शासन आया, क्लाइमेट रिचर्ड एटली वहां पर क्या बने? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने। तो उसी के टाइम पे भारत को आजाद किया गया, और एटली ने ही भारत की आजादी की घोषणा की थी, ये भी जरा ध्यान में रखना, जिसका नाम था रिचर्ड एटली, क्लाइमेट रिचर्ड एटली। और ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहा? 1945 से लेकर के 51 तक दोस्तों, लिख लेना। और इन्होंने ही देश की आजादी की घोषणा की। क्या घोषणा की? फरवरी 1947 में इन्होंने अनाउंस किया था कि भारत को 30 जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। यह बात अलग है कि 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर दिया गया। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये तीन पार्टी है, आपको यह पता चल गया कि लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी भारत के सपोर्टर है जबकि कंजर्वेटिव पार्टी विरोधी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि भारत को आजादी मिल जाए। तो अब
इसीलिए वहां पे चुनाव होने वाला था ब्रिटेन में 1929 में, वहां पे इलेक्शन होने वाला था दोस्तों, और कंजर्वेटिव पार्टी के वहां पे स्टेनली बाल्डविन कौन थे प्रधानमंत्री। तो वो ये डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जो है लेबर या लिबरल पार्टी की सरकार आ जाए, यदि आ जाएगी तो फिर भारत को आजादी मिल जाएगी। यही कारण था कि 1929 के ब्रिटेन चुनाव को देखते हुए स्टेनले बाल्डविन ने भारत राज्य सचिव बिर्केनहेड से कहा कि साइमन कमीशन को तुम अपॉइंट करो भारत के वायसराय की सलाह लेकर के और भारत में भेजो। तो भारत सचिव बिर्केनहेड ने वायसराय भारत का जो लॉर्ड इरविन था उससे सलाह लिया कि ये बताओ कि साइमन कमीशन हम अपॉइंट करने के लिए हम पे स्टेनले बाल्डविन जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं उनका आज्ञा है, तो जो हम इसमें सदस्य अपॉइंट करेंगे, क्योंकि भारत के प्रशासनिक सुधार राजनीतिक सुधार की बात करनी है, वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करनी है, उसकी जांच करनी है, तो एक बात बताओ जो भारत के लिए कार्य हो रहा है तो भारत के लोग अच्छे से समझते हैं क्या उसमें कितने लोगों को रखा जाए। तो इरविन ने मना कर दिया था उस समय जो भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था दोस्तों, उसने मना कर दिया बिर्केनहेड को कि एक भी भारतीय नहीं होना चाहिए। और साइमन कमीशन जब भारत में 2 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा दोस्तों, तो इसके भारत के लोगों ने काले झंडे और साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा करके बहुत जबरदस्त हड़ताल के स्ट्राइक की, यहां से वापस जाने के लिए बोला। तो इतने सारे भारतीयों ने विरोध किया, इसके विरोध का मात्र एक कारण क्या था, तो वो कारण था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय लोग अपॉइंट नहीं हुए थे, एक भी इंडियन लोग अपॉइंट नहीं हुए थे। अब सवाल उठता है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे और कहां से लिए जाने थे, तो इसको भी जरा इस बात पर ध्यान रखना, इसमें टोटल 7 सदस्य अपॉइंट किए जाने थे, अध्यक्ष सहित जो इसका प्रेसिडेंट साइमन कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा उसको इन्वॉल्व करके। कितना टोटल मेंबर, तो टोटल मेंबर कहीं लिख लेना, साइमन कमीशन के टोटल मेंबर की संख्या दोस्तों 7। अपॉइंटमेंट का डेट क्या है याद रखना, 8 नवंबर 1927 को अपॉइंट हो रहा है, चुनाव को देखते हुए स्टेनले बाल्डविन ने आदेश दे दिया था। अब ये जो 7 है वो कहां कहां से चुने जाएंगे, तो ब्रिटेन में जो संसद है ना दोस्तों, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस है, जैसे आज भारत में भी देखो एक लोकसभा कहा जाता है और एक राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से, तो उसी तरह से ब्रिटेन की जो संसद है दोस्तों, तो उस ब्रिटेन की संसद के भी 2 जो है हाउस है, एक को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक को कहा जाता है दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरे को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और 3 पार्टी कंजर्वेटिव लिबरल और लेबर पार्टी से ही इसमें चुना जाना था, तीनों पार्टियों में से। अब हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे भारत में लोकसभा है वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां, और जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वैसे भारत में क्या है राज्यसभा है, ये 2 है, और दोनों से लिया जाना था। अब सवाल उठता है कि इरविन ने मना किया, क्या उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई भारतीय था जिसे अपॉइंट किया जा सकता था, जब इन्हीं दोनों हाउस से ये 7 सदस्य अपॉइंट किया जाना था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन का कहना था कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 7 को जो है सदस्य लीजिए, जिसमें 6 सदस्य होंगे मेंबर होंगे और एक उसका प्रेसिडेंट होगा और यही कमीशन भारत जाएगा। तो क्या इसमें भारतीय थे, तो हाँ भारतीय थे, याद रखना हाउस ऑफ कॉमन्स से डॉक्टर सकलाटवाला उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद थे, भारतीय सांसद थे, इंडियन एमपी थे, सदस्य थे, और हाउस ऑफ कॉमन से कौन थे, डॉक्टर एसपी सिन्हा दोस्तों जो है क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड से राज्यसभा में है। तो इन दोनों सदस्यों में से किसी एक को या दोनों को इसमें रखा जा सकता था जब सदस्यों की अपॉइंट हुई थी, तो बिर्केनहेड ने किया था, तो लेकिन नहीं, इरविन ने मना कर दिया।
तो सात में सातों सदस्य जो है कौन रखे गए, व्हाइट, व्हाइट का मतलब होता है श्वेत, और गोरे किसको कहा जाता है, अंग्रेजों को दोस्तों, अंग्रेज, सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, और यही कारण था कि भारत में इसका विरोध किया गया। और वो कौन कौन से थे सातों के सातों, तो सातों के सातों में जो अध्यक्ष इसका था साइमन कमीशन का, तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष लिख लेना यानी प्रेसिडेंट लिख लेना कि सर जॉन साइमन। इंसान सातों सदस्यों में सर जॉन साइमन जो है एकमात्र ऐसे नेता थे जो लिबरल पार्टी के थे, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किया गया है कि साइमन कमीशन में लिबरल पार्टी के, साइमन कमीशन में एकमात्र उस नेता का नाम, उस लीडर का नाम बताओ जो लिबरल पार्टी का था। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिबरल पार्टी का एकमात्र सर जॉन साइमन जो कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो जो छह सदस्य थे तो छह मेंबर थे जो दोनों सदस्य से चुने गए थे, और उसमें कौन कौन से थे, तो एक मिस्टर बाथम थे, मिस्टर स्ट्रेच कोना थे, लेन फॉक्स थे, जॉन हार्ट सोन थे, क्लाइमेट रिचर्ड इटली थे, और कैडेगन थे। ये छह सदस्य जो है ये साइमन कमीशन में थे। पार्टी वाइज जो है, लेकिन पार्टी वाइज आप लोगों में क्वेश्चन नहीं किया जाता, इसीलिए जो है आपका मेन मेन क्वेश्चन पे हम इस पे ध्यान दिला रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखना है। अब साइमन कमीशन अपॉइंट हो जाता है 8 नवंबर को, भारत में कब आता है दोस्तों, तो पहली बार, ये चूंकि पहली बार क्यों लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि साइमन कमीशन कितनी बार भारत में आया है, दो बार आया है। कब कब आया है, 1928 में दोस्तों और 1929 में। 1928 में आया जब विरोध ज्यादा होने लगा तो यहां से चला गया, फिर 1929 में 1929 में आया दोस्तों, दो बार भारत में ये आया है साइमन कमीशन, याद रखना है। पहली बार कब आया था, तो पहली बार आया था 2 फरवरी 1928 को। कहां पे आया था, मुंबई में आया था, ये जरा ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं कि जब ये दोनों बार आया, लेकिन दोनों बार इसको हताश हो करके और भारत से जो है जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, क्योंकि पहली बार जब अपॉइंटमेंट हुई थी 8 नवंबर 1927 को, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था उस समय, कि कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों मद्रास अधिवेशन बुलाया था, मद्रास कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी, और डॉक्टर अंसारी ने ही जो है उस समय कही थी कि साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का फैसला किस अधिवेशन में लिया, आपको चार अधिवेशन का नाम दे देगा और एक नाम उसमें से रहेगा मद्रास कॉन्फ्रेंस, या किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार की जो है वो कांग्रेस के द्वारा डिसीजन लिया गया, तो ये ध्यान में रखना है, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, या साइमन कमीशन के बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार करने की, फुल बायकॉट करने की जो है वो पहली बार कब जो है वो अनाउंसमेंट की गई, तो ये भी जरा ध्यान में रखना है 1927 यानी 1927 के मद्रास कॉन्फ्रेंस में, इसको जरा लिख लेना। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है को थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। अब इस तरह से जो है इसका विरोध पहुंचता है, ये लखनऊ पहुंचता है मुंबई से, लखनऊ में जो है वल्लभ भाई पंत के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। पंजाब में, लाहौर में जो है, पंजाब लाहौर जो है अब तो रावी नदी के तट पे, रावी नदी जो है पड़ती है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है एक पाकिस्तान में, तो मोंटगोमरी में रावी नदी एक है और रावी नदी के तट पर बसा हुआ काफी खूबसूरत शहर है जिसका नाम है लाहौर, जो पंजाब में पहले पड़ता था दोस्तों। तो अब देखिए वहां भी पंजाब राज्य में ही पड़ता है। तो अभी एक बात मैं आप सबको बता दूं, यहाँ क्लियर कर दूं कि अब इसी तरह से लाला लाजपत राय जो है, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, लीडरशिप किया साइमन कमीशन के। और यदि उत्तर प्रदेश में पूछे, लखनऊ में, तो गोविंद बल्लभ पंत का नाम ले लेना, ऐसे क्वेश्चन कई बार जो है किया गया है, गोविंद बल्लभ पंत,
जेएल नेहरू दो लोग जो है यहाँ पे थे जो साइमन कमीशन का उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे थे, और लाहौर में जो है वो लाला लाजपत राय। याद रखना दोस्तों, इसी में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा लाठी डंडे से प्रहार करके लाठी चार्ज कर दिया गया और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाजपत राय की जो है 1929 में मृत्यु हो गई। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना है 1929 में, जब लाहौर में वो साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। तो अब हमने ये बातें आपको बताई, साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट कब देता है इस पे चलते हैं। 27 मई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन जो है अपना क्या करता है, रिपोर्ट देता है। कहां पे रिपोर्ट ये रखा जाता है, ब्रिटेन की संसद में दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में ये रखा जाता है। और रिपोर्ट में ये क्या कहता है, तो रिपोर्ट में ये कहता है लाला साइमन कमीशन रिपोर्ट में कहता है कि गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आगे एक टॉपिक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किया जाना चाहिए। और इसी की बात मान करके स्टेनले बाल्डविन, वहां का प्रधानमंत्री बदल चुका था तब तक, और नया प्रधानमंत्री आ चुके हैं ब्रिटेन में जिसका नाम होगा रैमजे मैकडोनाल्ड, ये जरा ध्यान में रखना है। रैमजे मैकडोनाल्ड क्या बन चुके हैं स्टेनले बाल्डविन के बाद प्रधानमंत्री, सरकार चेंज हो गई। तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो है बुलाने का सुझाव किस कमीशन के द्वारा दिया गया था, साइमन कमीशन के द्वारा, रिपोर्ट में कहा गया था। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 27 मई 1930 को, ये जरा ध्यान में रखना है। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन चुका था, रैमजे मैकडोनाल्ड बन चुका था। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही साइमन कमीशन के इस रिपोर्ट पर बातचीत करते हुए 3 बार जो है गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया, इसका जरा ध्यान में रखना। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या, गोलमेज एक जगह का नाम है जो लंदन में पड़ता है, वहां पे कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग बुलाता है रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहता है, और वहां पे भारत के नेताओं को, सभी पार्टी के नेताओं को इनवाइट करता है कि आइए और आप अपनी समस्या रखिए, फिर जाकर के देखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी इन्वाइट किया गया था। ये बात अलग है कि 1931-30 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया। 31 में जो है 1931 में 31 में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने गए थे। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन जो है वो कहां पे हुआ, लंदन में, किसने बुलाया यदि ये पूछे तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम जरा ध्यान में रखना। कितना बार ये बुलाया गया, 3 बार, इसका मतलब पहली बार में नहीं बन पाई, दूसरी बार में भी नहीं बन पाई, और तीसरी बार में तो भी नहीं बन पाई। तो अब देखिए गोलमेज सम्मेलन जो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन, इसका ये याद रखना है 1930, दूसरा का याद रखना है 1931, और तीसरा का याद रखना है 1932। 3 बार गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों में कौन से ऐसे भारतीय नेता थे जो तीनों में पहुंचे थे, जरा याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के उस समय बड़े नेता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद अली जीना, ये दो ऐसे भारत के नेता थे जो वहां पे तीनों में पहुंचे थे। इसके अलावा अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू एकमात्र महिला जो गोलमेज सम्मेलन में गई थी, ये भी क्वेश्चन कर देता है, तो रखना है वो थी सरोजनी नायडू जो कांग्रेस पार्टी की जो है 1925 में कानपुर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष रही है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कही जाती है, पहली महिला अध्यक्ष का है 1917 कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के एनी बिसेंट का नाम लिया जा सकता है। और पहली में भारतीय महिला बता दे तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो है सरोजनी नायडू, जिसे भारत कोकिला यानी इंडियन नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, 1925 में ये कानपुर कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी दोस्तों। तो हमने आपको बता दिया ये पूरा का पूरा कि हाँ
ये गोलमेज सम्मेलन तीन बार हुआ। अच्छा, दूसरी बार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहुंचने वाले थे उनका नाम था महात्मा गांधी, और गांधी जी नहीं गए होते क्योंकि गांधी जी को पता था कि सिर्फ जाने से वहां रैमजे मैकडोनाल्ड कॉन्फ्रेंस भले बुला रहा है लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होगा। एक्चुअल में ये चाल थी गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था दोस्तों, याद रखना, यानी गांधी और इरविन के बीच समझौता, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं 1931 में, जिसमें इरविन कौन है, इरविन भारत का वायसराय है। ये कहता है कि आप जो 1930 में जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 1930 में ही, तो जो शुरू हुआ है उसको आप रोक दीजिए और आप इसमें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जाइए और रैमजे मैकडोनाल्ड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पे अपनी बातें रखिए, आपको आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन यहां से तो गांधी इरविन पैक्ट करके भेज दिया जाता है, आंदोलन रुकवाने का एक चाल था इरविन का, आंदोलन तो रुक गया सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, फिर आकर के उनको दोबारा शुरू करना पड़ा, यानी दो बार सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट हुआ, 1930 में एक स्टार्ट हुआ था, एक 32 में स्टार्ट हुआ। तो अब जरा देखिए, अब यहां पे जो है गांधी जी दूसरे में जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे कि गांधी जी चाहते थे कि देखो अब स्वराज नहीं बल्कि फुल स्वराज चाहिए, सेंट्रल में भी हमारा, स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारी सरकार, आप यहां से जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और उससे पहले ही गांधी जी ने 1929 में जब कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इस लाहौर कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे लाहौर कॉन्फ्रेंस के, जरा ध्यान में रखना है, गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की थी इसमें। हालांकि गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भी है, ये भी ध्यान में रखना, बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कर्नाटक में 1924 में ये रहे हैं, लेकिन 29 में लाहौर में फिर दोबारा ये चुने गए, लेकिन इन्होंने नहीं किया अध्यक्षता, इन्होंने अपनी जगह पे लाहौर कॉन्फ्रेंस में बोला कि लाहौर कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, इसीलिए नेहरू जी इनको बापू बापू के नाम से पुकारते थे, क्योंकि गांधी को सत्ता से, पावर से कोई प्यार नहीं था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जिंदगी में मतलब भारत की सेवा करना चाहते थे, भारत को आजाद कराने के लिए अपने काम कर रहे थे। तो ये जरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो अध्यक्ष बने गांधी जी के बदले लाहौर कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया कि तुम यूथ हो, तुमको आगे बढ़ाएंगे, सुभाष चंद्र बोस से तेज बहादुर सप्रू है, ये सब यूथ थे उस समय, यूथ लीडर थे। अब जरा देखिए, अध्यक्ष बने और इन्हीं से गांधी जी ने जो प्रस्ताव तैयार किया था, एक प्रस्ताव तैयार किया था पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज का, तो इनके द्वारा अनाउंस करवा दिया। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि फुल स्वराज यानी पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा कब रखी गई थी, ये जरा ध्यान में रखिएगा, 1929 में दोस्तों। और इससे पहले ही मैं बता चुका हूं कि स्वराज की पहली बार मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा कब, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। लेकिन अब स्वराज नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का पूर्ण स्वराज जो है वो क्या हो गया है, डिमांड हो गया कि हम स्टेट में भी रहेंगे और सेंट्रल में भी रहेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो 1929 में जो है लाहौर कॉन्फ्रेंस में पहली बार क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, उस जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ये मांग रखी गई। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो किसने तैयार किया था, तो गांधी जी ने तैयार किया था। और ये भी पूछ देते कि लाहौर अधिवेशन के कौन इसमें से अध्यक्ष पहले चुने गए थे। अब देखो दोस्तों, इसी अधिवेशन में ये डिसीजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया गया कि हम लोग जो है 31 दिसंबर 1929 यानी अब एक तारीख आने वाला था, नया साल शुरू होने वाला था, इसी दिन जो है पहली बार लाहौर में क्या किया गया,
मैंने अभी बताया था कि लाहौर अब कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, और कौन सी नदी के तट पे, तो रावी नदी के तट पे। तो रावी नदी के तट पे रात में जो है मध्य रात्रि को 12 बजे जो है क्या किया गया, झंडा तिरंगा फहराया गया। पहली बार अभी हम लोग आजाद नहीं हुए थे तभी जो है झंडा तिरंगा फहराया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पे, और कब फहराया गया था, 31 दिसंबर 1929 को। क्योंकि गांधी जी का ये यहाँ पे एक गांधी जी संदेश देना चाहते थे कि देखो तुम लोग भले हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमें आजादी दो या ना दो, लेकिन हम अपने आप को आजाद मान चुके हैं। पूर्ण स्वराज की जो है वहां पे मांग की गई, और उन्होंने जो है इसके जरिए कि ये जो घंटा बजेगा रावी नदी के तट पे रात में, और जो यहां से हम आजादी की घोषणा करेंगे कि हम भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाएंगे हर साल, ये भी डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, भारतीय आजादी दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आजादी दिवस। ये बात अलग है कि आजादी के बाद 15 अगस्त को मनाया जाता है, और उसी दिन भारतीय आजादी की घोषणा कर दी गई थी। अब गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों आजादी के बाद, तो 26 जनवरी को भारतीय आजादी दिवस मनाने की घोषणा भी लाहौर कॉन्फ्रेंस में कर दी गई थी गांधी जी के सहयोग से, जे एल नेहरू के द्वारा, कि जो घंटा बजेगा उससे जो है ये उन लोगों को पता चलेगा, ब्रिटिश सरकार को, कि नहीं भारत के लोग जो है ना अपनी आजादी के लिए पूरी तरह से अब सीरियस हो गए हैं। तो ये बात है। अब ज्यादा जो है हम ये सारे टॉपिक पे चर्चा करना था, ये टॉपिक पे थोड़ा चर्चा हो गया, तो ऐसे ही अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर आप लोग देना शुरू कीजिए। अब अपने आप साइमन कमीशन के बारे में अभी बताया कि साइमन कमीशन कब आया था, अब आप बताइए 8 नवंबर 1927 को जो है क्या हुआ था, नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बिर्केनहेड के द्वारा। बिर्केनहेड कौन था, तो बिर्केनहेड भारत का राज्य सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटेन में रहता था, ये अपॉइंट करा था। 7 इसमें सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जिसके कारण भारत में विरोध हुआ। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, मैंने क्या बताया था, दो बार आया है, 1928 में 1929 में। पहली बार कब आया है, 1928 में। कब आया है, तो 2 फरवरी 1928 को कहां पे आया, मुंबई में आया था दोस्तों। सबसे पहला राज्य का नाम पूछेगा यदि तो मुंबई बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था, उदारवादी दल का था, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन belongs to the लिबरल पार्टी। अभी मैंने बताया था कि लिबरल पार्टी का सदस्य, एकमात्र सदस्य जो है सर जॉन साइमन थे, जो इसके क्या थे, इसके प्रेसिडेंट भी थे, इसके अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, मैंने आपको बताया था इसमें क्या, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। पहले ही मैंने बताया कि भारत के प्रशासनिक सुधार पर, राजनीतिक सुधारों पर विचार करने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, जिसकी बात जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई थी कि हर 10 साल पे जो है एक कमीशन भेजा जाएगा, जो भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जांच करने के लिए जाएगा कि क्या वहां पे प्रशासनिक सुधार हो सकता है, इसको बताएगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, ये प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, साथ में सातों अंग्रेज सदस्य थे, तो ये किसने कहा था, तो उस समय लॉर्ड इरविन ने, और इसके बारे में भी मैं पीछे बता दिया हूं, मैंने क्या कहा था कि लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया था बिर्केनहेड को, भारत के राज्य सचिव को, कि इसमें एक भी भारतीय नहीं होना चाहिए। और देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन लिखा है ना, भले यहाँ पे हमने नहीं लिखा है इसका ये, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में किए जा चुके हैं, अलग अलग एग्जामों में
इस वाले टॉपिक से। तो मेरे कहने का मतलब कि जितना क्वेश्चन मैंने लिखा है वो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस पे और भी डिटेल में मैं चर्चा इसलिए करता हूं कि अधिकतर क्वेश्चन और भी बनाए जाने की संभावना है और दोनों तरीके से आप लोग तैयार रहो। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। देखो कहीं लिखा है तो साइमन कमीशन जो है 1919 के अधिनियम कार्यवाही को पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, गलत है, क्योंकि ये जो है ये हो गया। अगला, साइमन कमीशन में प्रांतों के द्विशासन समाप्ति, ये भी गलत है। कहां पे ये देखना है कि लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, आंसर क्या हो जाएगा? सी। और क्यों नहीं था? जबकि दो तो सदस्य मैंने बताया था कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से जो है मिस्टर सकलाट वाला और डॉक्टर एसपी सिन्हा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड से थे, उनको चुना जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भारत में प्रशासनिक सुधार की बात की जानी है और उसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना, ये ब्रिटिश सरकार के मूर्खतापूर्ण डिसीजन का एक बहुत बड़ा परिचायक था। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाली बातें हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? अब देखिए, अब यहां से कुछ अलग क्वेश्चन हो गया, ये आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। दोस्तों पानी थोड़ा पी ले। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों 1927 में जब साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था, 8 नवंबर को अपॉइंट किया गया था 1927 में, आप लोगों को बताया, उसके ठीक 16 दिन के बाद 24 नवंबर 1927 मैंने आपको क्या बताया था, डेट जरा याद रखना, 8 नवंबर को साइमन कमीशन अपॉइंट होता है और इसके ठीक 16 दिन के बाद जो है क्या होता है कि जो राज्य सचिव रहता है जिसका नाम क्या रहता है, बिर्केनहेड, जिसने साइमन कमीशन में सातों मेंबर को रखा था, अपॉइंट किया था बिर्केनहेड, वो एक चैलेंज देता है भारत के सभी पार्टियों के समक्ष कि तुम लोग एक ऐसे संविधान, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिखाओ जो भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी को मान्य हो, सभी राजनीतिक दल उस पर सहमत हो। ये चैलेंज देता है 24 नवंबर 1927 को राज्य सचिव जो है, भारत राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, बिर्केनहेड के द्वारा चैलेंज दिया गया। भारत के कांग्रेस पार्टी के अलावा भारत में 29 पॉलिटिकल पार्टी ने इसको स्वीकार किया कि ठीक है हम अपना संविधान बनाएंगे, क्योंकि भारत के द्वारा क्या किया जा रहा था, संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी जा रही थी कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जिसमें भारत के लोग क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्वराज जो है 1929 में क्या हो गया, फुल स्वराज की डिमांड करने लगे लोग, लेकिन 1928 तक लक्ष्य क्या था, टारगेट कि हमें स्वराज चाहिए, स्वशासन चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, स्वराज चाहिए। तो 29 पार्टी जो है एक बैठक कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को मिला करके बुलाया गया कि भाई इन्वॉल्व हो और ये जो चैलेंज है इसको स्वीकार करें हम लोग, और हम लोग अपना संविधान बना करके, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना करके और बिर्केनहेड को सौंपे दे।
तो ये जो बैठक हुई थी दोस्तों, जरा इस बात को ध्यान में रखना, 28 फरवरी 1928 कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाया, जिसमें कुल जो है 29 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, 29 पार्टीज ने जो है इसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और इस पार्टी में डिसीजन लिया गया कि एक 9 सदस्यीय जो है, 9 सदस्यीय ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, जो संविधान को तैयार करेगा। तो इसमें टोटल 9 सदस्य जो है बनाए गए। इसमें जरा ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें जो सचिव थे, सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें कांग्रेस सदस्य के रूप में थे, जो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में रहे, अली इमाम मुस्लिम लीग की तरफ से दोस्तों रहे, शोएब कुरैशी रहे इसमें, एम एस अड़े लिख लेना की रहे इसमें हिंदू महासभा की तरफ से, और एम आर जयकर जिसके बारे में चर्चा किया था वो भी रहे हिंदू महासभा की तरफ से, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था एम आर जयकर ने नेहरू रिपोर्ट से। मंगल सिंह जो है सिख कम्युनिटी से रहे, जीपी प्रधान जो है गैर ब्राह्मण पार्टी की तरफ से रहे, तेज बहादुर सप्रू जो यूथ लीडर थे उस समय वो लिबरल फेडरेशन से रहे, और एन एम जोशी जो है वो लेबर पार्टी से दोस्तों रहे। ऐसे करके जो है इन लोगों ने क्या किया, 9 सदस्य जो है के रूप में एक जो है ग्रुप बना, एक समूह बना नेहरू रिपोर्ट को बनाने के लिए। नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, इस रिपोर्ट को लिखे थे, इस संविधान को तैयार किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेहरू रिपोर्ट। और यह भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है दोस्तों। तो यह रिपोर्ट जो है आ गई, और ये जब रिपोर्ट आ गई तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों की डिमांड की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, प्रांतों में जो है द्वंद्व शासन जो होता है उसको समाप्त करने की बात की गई थी कि नहीं होगा, सिंध को बंबई प्रांत से अलग करके एक नया प्रोविंस बनाने की बात की गई थी, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया रहेगी ये बात की गई थी, लोक सेवा आयोग तथा एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी इसकी बात की गई थी दोस्तों, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर जो है शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, और अवशिष्ट शक्तियां जो बची हुई शक्तियां है वो केंद्र के पास होगी इसकी बात की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है जो अब तक होती आई थी 1909 में मॉन्टेमिंटो एक्ट में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी उसका जो है इसमें विरोध किया गया था कि ये नहीं रहेगा, वयस्कों के लिए मताधिकार तथा महिलाओं को समान सुरक्षा की बात की गई थी। थोड़ा ज्यादा है इसके केवल हम बात बता देते हैं क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे ये बातें। और इसके अलावा जो है ये बात की गई थी कि भारत में एक संघ होगा जिसके अधीन में केंद्र में द्विसदन विधानमंडल होगा, यानी लोकसभा राज्यसभा जैसे आज है वैसे रहेगा। तो ये सब भाषाई आधार पर जो है प्रांतों का गठन किया जाएगा, ये सब जो है मांग इसमें किया गया था इस नेहरू रिपोर्ट में। सब कुछ ठीक ठाक था दोस्तों, एक केवल बातों पे जिसमें कांग्रेस पार्टी भी खुद सहमत नहीं हुई तो वो विवाद मचा, और वो है कांग्रेस के 3 उस समय के यूथ लीडर नाराज हो गए एक बात पे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य, जबकि ये यूथ लीडर चाहते क्या थे कि गांधी की बातों से हमें सहमत होना चाहिए, जो आगे जा करके पहले गांधी अब पहले से प्लानिंग बना करके तैयार कर रहे थे कि नहीं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल स्वराज। और गांधी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान दोस्तों बोल भी चुके थे कि अंग्रेज जो है एक ऐसे शैतान है जिनको अपनी भूल का एहसास नहीं है और इनके साथ किसी प्रकार का भारतीयों का सहयोग संभव नहीं है। तो गांधी जी जानते थे कि नहीं, भारत को पूर्ण आजादी की जरूरत है तभी जाकर के भारत डेवलप कर पाएगा।
तो तीन उस समय के यूथ लीडर का नाम याद रखना जिन्होंने ये इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की गठन करेंगे। एक का नाम है सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू जो जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, सुभाष चंद्र बोस जो खुद इसके मेंबर रहे नेहरू रिपोर्ट के, तेज बहादुर सप्रू जो इसमें मेंबर थे, और खुद जे एल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू जी के बेटे हैं उन्होंने भी इस डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया कि हमें डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा नहीं चाहिए बल्कि अब हम लोग चाहते हैं कि फुल स्वराज, हालांकि उस समय मांग नहीं रखी गई थी लेकिन फुल स्वराज का मसौदा तैयार कर लिया गया था कि फुल स्वराज जो है आगे मिलना चाहिए, इस पे बात चलने लगी थी। तो इसलिए इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और जेएल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो है वो खारिज करने पे, इसको खारिज किया जाए कांग्रेस के द्वारा, और इन लोगों ने मिलकर के क्या बना दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना दिया। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है 1929 में दोस्तों बन गई, जरा ध्यान में रखना 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब आगे वाला ये सारी बातें हम कर लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, औपनिवेशिक स्वराज की मांग पहले किसने की थी, यहाँ पे ऑप्शन देखिए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने। अगला है कि सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। आप अपने दिमाग से उत्तर दीजिए इसका। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने जो है सबसे पहली बार औपनिवेशिक सरकार की स्वराज की मांग की थी, ये आंसर क्या होगा, ये राजगोपालाचारी और सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, औपनिवेशिक स्वराज की डिमांड की थी, ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है, ये जो है मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, ये आंसर होगा, ये गलत है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, अभी मैंने बताया नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अभी बैक में मैंने बता दिया सारा, आप जाकर के देख लीजिए और अपने आप आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, मैंने बताया था कि लाला लाजपत राय लाठी डंडे से लाठी चार्ज कर दिया गया था जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो जिसके बाद 1929 में लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो अब यहाँ पे कहीं पे ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के विरुद्ध हुए लाठी चार्ज में, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुए लाठी चार्ज में, रॉयल एक्ट या साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठी चार्ज में, तो अब आपका आंसर आप जानते हो साइमन कमीशन के विरुद्ध जो हुआ लाठी चार्ज है उसमें, और ये कहां पे हुआ था, लाहौर में, और डेट याद रखना 1929 में जो है वो लाला लाजपत राय जी की डेट हो गई थी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन किया गया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको, कई बार जो है पढ़ाते वक्त मैं बोल दिया हूं कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है ये टाइटल। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का फुल स्वराज का जो डिमांड रखा था किसके द्वारा घोषित किया गया था। अभी मैंने फुल स्वराज के बारे में आपको लाहौर कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जवाहरलाल नेहरू। मैंने क्या बताया दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, 1929 में रखा गया था, और इसी लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पहले तो गांधी चुने गए थे लेकिन गांधी ने अध्यक्षता स्वीकार नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनते, और इनके माध्यम से उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करवाई ब्रिटिश सरकार से। तो ये जो है जरा ध्यान में रखना है, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनको बापू कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया।
When did the Congress pass the resolution for India's independence for the first time? अब मैंने अभी बताया 1929 में पहली बार जो है भारत की आजादी की बात और प्रस्ताव को पास किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और यह कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस जो है मनाया जाएगा हर साल जो है 26 जनवरी को, और झंडे तिरंगे जो है रावी नदी के तट पे मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ध्यान में रखना इसमें ध्वज को फहराते समय वंदे मातरम गीत गाया गया और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों इसका भी नारा दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन कर देता है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित किया गया उस समय निम्न में से कौन सा गीत गाया गया था या क्या नारा दिया गया था, तो चार नारा दे देगा और उसमें ये दे देगा कि इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर के रहूंगा, इसमें से कौन सा नारा। तो याद रखना इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम गाने गाए गए थे, तो जरा गीत गाए गए थे सॉरी। तो ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष कौन थे लाहौर कॉन्फ्रेंस के, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट वाला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, हम एक बार आपको टॉपिक समझा देते हैं, जो भी नया बीच से यदि कोई जुड़ रहा है तो उस बात को समझे कि वो टॉपिक पे जाकर के थोड़ा सा देख ले, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं पढ़ा देता हूँ बता देता हूँ तब जाकर के क्वेश्चन का आंसर टिक लगवाता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो अब भी मैंने इससे पहले बैक में ही बताया कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 में लाहौर कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी, और ये जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो किसने तैयार किया था, तो तैयार करने वाले का नाम याद रखना दोस्तों गांधी, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं थी, कौन सी बातें जो है 1929 के लाहौर कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत के विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। जरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसमें तो ये तीनों किया गया, लेकिन कौन सा नहीं किया गया था, यानी ये जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं किया गया, तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा पूर्ण स्वराज में ही ये जरा समझ लीजिएगा, भारत के विदेश नीति की भी घोषणा की गई थी फॉरेन पॉलिसी के लिए कि हाँ जब पूर्ण स्वराज का हो जाएगा हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके अपना रूल करेंगे, आगे जो है अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की भी घोषणा की गई और आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने यानी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चलाने की भी तैयारी जो है इसी में कर ली गई थी। तो आंसर क्या होगा इसका कि अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन ये जो है इसको इसमें नहीं था शामिल नहीं था। अब दांडी यात्रा जो है कह रहा है के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, देखो दांडी यात्रा जो है ना वो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से दोस्तों जुड़ा हुआ है, तो अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ ये जो दांडी यात्रा है आखिर ये दांडी यात्रा क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और तब जाकर के क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं, क्योंकि अभी और आगे क्वेश्चन है दोस्तों इसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए अब इससे ज्यादा जितना भी आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जितना भी दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड ये सारे के सारे एक टॉपिक है गांधी मार्च से रिलेटेड, तो आइए इन सबको जो है हम सॉल्व पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं।
हाँ यहां से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, और तब जाकर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग के पास जो क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन सॉल्व करने के बाद अगला जो है चला जाएगा। नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं पहले और फिर समझते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर बहुत धड़ाधड़ जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर पे टिक लगा सको। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, जिसे सिविल नाफरमानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1930 कई बार क्वेश्चन किया गया है, ये कब शुरू हुआ था, 1930। अच्छा, इसी को हम दांडी मार्च इसी से कहते हैं। दांडी क्या है, प्लेस का नाम है दोस्तों। दांडी मार्च का मतलब क्या होता है, पैदल यात्रा इसमें किया गया। और दांडी के किनारे क्या बनता क्या था, तो समुद्र के किनारे क्या होता है आपको, सी के किनारे पाया जाता है, यानी नमक पाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि नमक जो है भारत के प्रत्येक लोगों के नीड्स है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो इतनी बेवकूफ सरकार है, ब्रिटिश सरकार, कि नमक पे टैक्स लगा रही है जो आम जनता के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो हर लोगों की नीड्स है, और उस पर टैक्स लगाना, हमारे देश में नमक और हमारे ही नमक पे जो है हमें बेच करके और उस पर टैक्स लगा करके शोषण कर रही है लोगों का। और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चलाने की जो है अनाउंसमेंट कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई थी, और गांधी जी ने जो है उसको आदेश दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी को बोला था किसे, हाँ प्रस्ताव जो तैयार किया था तो लाहौर अधिवेशन में ही, कि हम तैयारी करेंगे आगे, सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानती है तो उसके खिलाफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चलाया जाएगा। ध्यान में रखना 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण जो है दोस्तों बैक किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो 1922 से लेकर के 1930 तक जो है कोई बीच में आंदोलन नहीं चल पाया था। अब मैं यहां पे बता रहा हूं कि जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च आखिर दांडी क्या है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 1917 में गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों, साबरमती आश्रम के का एस्टेब्लिशमेंट किया था, और वो कहां पे, अहमदाबाद में, गुजरात में जो पड़ता है अहमदाबाद। अब दोस्तों बता दूं कि ये जो साबरमती है ना, साबरमती से लेकर के और पहुंचना कहां था पैदल मार्च करते हुए, तो दांडी पहुंचना था जो गुजरात में पड़ता है, और ये क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यहां पे क्या पाया जाता है, नमक, इस बात को जरा ध्यान में रखना। अब यहां से यहां तक जो दूरी है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझना है, ये जो दूरी है वो 240 मील की दूरी है, 240 माइल, और यदि किलोमीटर में देखें तो 390 किलोमीटर हो जाएगा ये दूरी है, यानी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की दूरी है, डिस्टेंस है। गांधी जी ने कहा कि से चलो हम नमक तोड़ो कानून 60 लाख को ब्रेक करेंगे वहां, और गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 12 मार्च, आज केवल फैक्ट्स के रूप में ही हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्टोरी के रूप में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ गया है तो फैक्ट्स को थोड़ा सा जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो 12 मार्च 1930 को ये यात्रा जो है पैदल यात्रा, जिसको मार्च बोला गया, पैदल यात्रा प्रारंभ की जाती है, स्टार्ट की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से की जाती है। टोटल इसमें दोस्तों 78 पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लोगों की संख्या, सदस्यों की, मेंबर की संख्या कितनी रहती है, 78। और यदि ये पूछ दे कि गांधी जी के साथ दांडी मार्च में एकमात्र महिला का नाम बताओ, तो आप लोग याद रखना
भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू जी को, जो कानपुर में 1925 के कांग्रेस पार्टी का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सम्मानित हो चुकी थी। तो सरोजनी नायडू एकमात्र महिला है, 78 पीपल है, गांधी जी भी हैं इसमें। अब ये लोग जो है चल दिए 12 मार्च 1930 को दोस्तों साबरमती आश्रम से, और इनको पहुंचना कहां था? तो दांडी पहुंचना था। तो दांडी पहुंचने इन लोगों को 23 दिन, किसी किसी किताब में 24 दिन दिया गया है। 24 दिन इसलिए क्योंकि रात में ये लोग पहुंचे थे और फिर जाकर के 6 तारीख आ ही गया था। वैसे 5 फरवरी 1930 को जो है ये दांडी ये लोग पहुंचे, और उसके बाद 24 दिन क्यों बुक में लिखा गया है? क्योंकि 5 फरवरी को रात में जब ये लोग पहुंचते हैं तो 6 फरवरी मार्च से शुरू हो रहा है, 12 मार्च 1930 से, और मार्च के बाद क्या आएगा दोस्तों? अप्रैल आएगा। तो अप्रैल यहाँ पे लिख लेना आप लोग, 5 अप्रैल 1930 को ये लोग पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, एक सेकेंड, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, अपने 78 लोगों के साथ मिल करके, और वहां से नमक उठाते हैं हाथ में, और सभी लोगों को संकल्प लेने को बोलते हैं कि देखो आज से संकल्प लो कि गवर्नमेंट को जो है नमक टैक्स नहीं दिया जाएगा, और पूरे देश की जनता को बताएंगे ये कोई भी नमक टैक्स नहीं दिया देगा, हम आपके रूल का पालन नहीं करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी हम विनय से जो है हम क्या करते हैं, आपकी अवज्ञा करेंगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे हम क्या करेंगे, आपकी अवज्ञा करेंगे, हम भी बात नहीं मानेंगे। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी क्या करते हैं अपने 78 लोगों के साथ नमक साल्ट ला को ब्रेक किया गांधी जी ने, नमक तोड़ा। अब नमक तोड़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? नमक तोड़ो कानून, यानी कानून जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसको उन्होंने कहा कि हम ब्रेक करते हैं, हम नहीं देंगे टैक्स। तो नमक तोड़ो कानून यानी गांधी जी ने साल्ट ला को कब ब्रेक किया था जरा ध्यान में रखना, वो डेट है 6 अप्रैल 1930 को, और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, या फिर इसको कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। अब यहां पे गांधी जी ने ये काम तो साल्ट ला को ब्रेक कर दिया, एक संदेश दिया पूरे देश को। गांधी जी कुछ इसी तरह से क्रिएटिव वर्क करते थे। अब आगे जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये जो दांडी मार्च है, ये सारी बात बता दिए, तो कुछ और भी बातें थोड़ा फैक्ट्स के रूप में याद रख लीजिएगा। एक तो ये कि ये दांडी मार्च में सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं, गांधी जी के इस मार्च की जो तुलना है, कंपेरिजन, वो विश्व में हुए दो और मार्च से करते हैं। एक कहते हैं कि ये मुसोलिनी के, ये एक तो कहते हैं एक कर कि ये रोम मार्च से, यानी वो कहते हैं कि न केवल जो है गांधी जी ने पैदल यात्रा प्रारंभ, बल्कि इससे पहले भी और सारे विश्व में मार्च पैदल हुए हैं, पैदल मार्च किया गया है। तो गांधी जी ने नेपोलियन रोम मार्च से किया, मुसोलिनी के रोम मार्च से किया, और नेपोलियन बोनापार्ट, आप लोगों ने रूस की क्रांति का जनक जो बोल्शेविक क्रांति से भी 1917 में जुड़ा हुआ था, तो नेपोलियन के जो है पेरिस से एल्वा तक जो मार्च किया गया था, जैसे अभी मैंने बताया कि साबरमती से दांडी तक का, उसी तरह से पेरिस से एल्वा तक का जो पैदल मार्च किया गया था नेपोलियन द्वारा, तो उसका उससे जो है कंपैरिजन करते हैं कि गांधी की जो है ये मार्च, जो दांडी मार्च है, दांडी पहुंचने की जो पैदल यात्रा, इतनी लंबी यात्रा की गई, वो मुसोलिनी के रोम मार्च जैसी है, और जो है नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस से एल्वा तक की मार्च जैसी है, पैदल मार्च जैसी है, कंपैरिजन करते हैं गांधी। तो क्वेश्चन किया जाता है कि किसने रोम मार्च से तुलना की थी, या किसने जो है नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस से एल्वा मार्च से तुलना की थी दांडी मार्च
दांडी मार्च की, तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी। और ये याद रखना, चार जगह का नाम याद रखना, एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी पश्चिमोत्तर, सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां गांधी जी के साथ जो है, गांधी जी को देखते हुए कि गुजरात में आंदोलन चला रहे हैं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, यानी सीमांत गांधी हिंदी में बोला जाता है, खान अब्दुल गफार खान, इन्होंने आंदोलन जो है यहां पे शुरू कर दिया पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और खान अब्दुल गफार खान जिनको हम लोग याद रखना, टाइटल दिया गया है सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने यहीं पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने भी पैदल यात्रा की सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के फेवर में, गांधी जी के फेवर में। पख्तून नामक जो है मैगजीन एक प्रकाशित की गई थी खान अब्दुल गफार खान के द्वारा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के टाइम पे। कभी कभी ये पूछ देता है कि पख्तून नामक जो है पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, खान अब्दुल गफार खान, और किस आंदोलन के दौरान की गई थी, तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के दौरान। और खान अब्दुल गफार खान को क्या कहा जाता है, तो सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और भी देखिए जरा, ये तो आपने देख लिया कि पख्तून पत्रिका का प्रकाशन, इन्होंने वहां पे जो है ना लाल कुर्ती आंदोलन चलाया जो काफी फेमस रहा। लाल कुर्ती आंदोलन क्या मतलब, ये पैदल यात्रा तो किए सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के फेवर में, लेकिन सारे के सारे इनके साथ जो लोग थे ना वो लाल रंग के जो है वो कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लाल कुर्ती आंदोलन कहां पे चला था, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में, और किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसके जनक माने जाते हैं, इसको चलाने वाले जो है नेतृत्वकर्ता लीडरशिप किसके, खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में यानी सीमांत गांधी के नेतृत्व में, फ्रंटियर गांधी, गांधी जिसको कहा जाता है, उसके नेतृत्व में चला था दोस्तों। अब नेक्स्ट बातें हम बता देते हैं कि याद रखना, मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पैदल मार्च किया गया, वहां भी नमक तोड़ो कानून का, उसमें सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नेतृत्व कर रहे थे। ये पूछ देता है कि मद्रास में किसने गांधी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल था, नेतृत्व कर रहा था, तो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद ये पूछ देता है कि ये बताइए कि केरल में कौन था, तो केरल के एक काफी प्रसिद्ध नेता थे जो कालीकट से यात्रा प्रारंभ किए थे, उनका नाम था के कलप्पन। और इसके अलावा गुजरात के धरासना एक जगह है, वहां पे फैक्ट्री थी ब्रिटिश फैक्ट्री, तो धरासना में जो है गांधी जी के खुद एक बेटे जिसका नाम था मणिलाल, और इनका दोस्त इमाम साहब, और इनके साथ जो है सरोजनी नायडू, ये तीन लोगों ने जो है वहां पे नेतृत्व किया, लीडरशिप किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का दोस्तों। तो ये रहा जो है थोड़ा सा पढ़ लिए, अब ये हमने बता दिया। और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट भले इरविन के द्वारा एक समझौता गांधी इरविन करके आगे जा करके उसको रोका जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि 1930 के टाइम पे वर्ल्ड में मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड गांधी को मिला,
जैसे 1920 के टाइम पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान मिला था कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन यदि मास मूवमेंट जन आंदोलन किसी ने चलाया है तो वो महात्मा गांधी जी ने चलाया है, तो ये भी ध्यान में रखना जरा। अब आगे की हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, तो दांडी मार्च जो है वो किससे रिलेटेड है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। आंसर क्या होगा, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। अब आप अपने आप जो है आंसर देते जाओ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है दोस्तों, तो आप इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कुछ और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। जरा ध्यान में रखिएगा इसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी जो है महिलाओं की भागीदारी की गई थी, ये भी ध्यान में रखना है, और महिला जो है वो नमक सत्याग्रह के नाम से भी ये जाना जाता है, तो नमक सत्याग्रह में भी थी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि देखें तो आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चूंकि ये पहले का क्वेश्चन है लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है, जबकि क्वेश्चन पहले असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है, आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, अभी मैंने बताया आप लोगों को 12 मार्च 1930 से ये गांधी जी ने प्रारंभ किया था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे, 390 किलोमीटर यानी 240 माइल्स जो है वो यात्रा करके 78 लोगों के साथ, जिसमें सरोजिनी नायडू जी भी थी और ये एकमात्र महिला वही थी। और एक बात ध्यान में रखना कि 6 अप्रैल को नमक तोड़ो कानून जो है वो जो है वहां पे नमक सार्टला को ब्रेक किया था गांधी जी ने अपने 78 लोगों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से या नमक कानून तोड़ने, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने से यानी ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। और ये ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ किस डेट को याद रखना है, 6 अप्रैल 1930, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रांत में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, यानी दांडी वाले में सबसे ज्यादा लोग कहां के थे, या जरा ध्यान में रखना गुजरात से सबसे ज्यादा लोग जो है इसमें शामिल हुए थे दोस्तों, दांडी में गुजरात में सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए थे। और आपको बताया कि साबरमती आश्रम से 78 पीपल यहां पे गए थे, कुछ लोग धरासना में कर रहे थे जिसमें मणिलाल जो गांधी जी के बेटे थे, सरोजनी नायडू और फिर जो है मणिलाल के दोस्त इमाम साहब, ये लोग जो है वहां पे नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमिटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो है अधिकार मिल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि लाहौर कॉन्फ्रेंस जो 1929 को हुआ था, जे एल नेहरू द्वारा ये अनाउंस किया गया, गांधी जी के कहने पे ये अनाउंस किया गया दोस्तों कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चलाएंगे सरकार के खिलाफ, यदि आगे जो है हमारी बात नहीं मानती है तो, और सरकार का कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस का अब जो है स्वराज से हट करके पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी 1929 के लाहौर वाले कॉन्फ्रेंस में, तो ये भी मैं बता दिया हूं। आगे हैं, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उसका नाम क्या था, रिचर्ड ग्रेग था कि वेब मिलर था कि किरबाई पेज था कि लुई फिशर था, जरा ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने जिस पत्रकार को रखा था उसका नाम क्या था, तो वेब मिलर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वाला पॉइंट अगला कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, जरा ध्यान में रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे जो है वो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के दौरान ही गिरफ्तार हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन, देखो अभी मैंने बताया था कि लाल कुर्ती आंदोलन जो है वो कुर्ती मूवमेंट कहां पे चला था, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट जो है फ्रंटियर प्रोविंस में चला था, और इसके जो है के कौन नेतृत्व करता थे, तो खान अब्दुल गफार साहब, खान साहब जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने पख्तून पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिया तरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। देखो दोस्तों ये सारी की सारी बातें जो है जब यहां तक हम आ गए तो अब नेक्स्ट वाले यहां तक 33 तक पढ़ लिए और सारे क्वेश्चन थे यहां पे, और वो सारी की सारी क्वेश्चन हम अब सेकंड वाले पार्ट में करवाएंगे। आज जो है पूरा कंप्लीट ये 2 घंटे का आपका हो गया, अभी और ज्यादा जो है 2 घंटे के अंदर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा 1947 तक, इसलिए जो है इसको आगे देखते रहिएगा। इतना देर आपने पूरे साहस के साथ धैर्य के साथ सुना, इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।